मैं उन देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर उत्तराखंड के मुख्य थे, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं अभिनंदन हूँ, आप सभी का अभिनंदन। उपस्थित हमारे जिलाधिकारी जी, हमारे पुलिस अधीक्षक जी एवं सभी प्रशासन के भी अधिकारीगण, सभी सम्मानित हमारे छायाकार मित्रों, क्योंकि आप सबके बिना भी ये कार्यक्रम जन जन तक जाएगा, इसलिए मैं आप सब का अनुरोध करता हूँ। उपस्थित हमारे विद्यालय के छात्र, जिनके निमित्त वो पीछे से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है शोर हो रहा है, थोड़ा सा शोर कम कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा मुझे बोलना नहीं है, आप सब लोगों का काफ़ी लंबा कार्यक्रम हो गया है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर शांति व्यवस्था बनाए के रखिए, उसके बाद कार्यक्रम समापन ही होना है। तो मैं आज इस वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, तथा माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा विद्यालय भविष्य में भी सफलता के नए नए नित नए आयामों को छूता रहे, उसको स्थापित करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर बताया कि ये विद्यालय अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में स्थापित हुआ और आज एक विशाल वट वृक्ष का ये रूप हो चुका है। जगाती परिवार ने इस शिक्षण संस्थान के लिए अपनी भूमि जो दान की, जो शिक्षा सेवा का पुण्य कमाया, उसके लिए भी मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से एक महान कार्य किया, क्योंकि शिक्षा के लिए इस प्रकार से त्याग करना ये अपने आप में बहुत बड़ा है, जहाँ बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, उनके एक नए आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। आज के इस समारोह में मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबके बीच में आकर और इस बहुत ही गरिमामयी समारोह में आप सभी के बीच में अपने आप को पाकर मैं अभिभूत हूँ, और आप लोगों के बीच में आकर जब भी मैं छात्रों के बीच में जाता हूँ, विद्यार्थियों के बीच में जाता हूँ, तो मुझे अपने बचपन का स्मरण होने लगता है, और मैं अपनी बचपन की जो छात्र जीवन की स्मृतियाँ हैं, मैं यहाँ आकर भी जब हमारे विद्यार्थी अपना यहाँ से अभिनय कर रहे थे, अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे बचपन के अपने बाल्यकाल से जिस प्रकार से जीवन में शिक्षा अध्ययन के लिए प्राइमरी पाठशाला से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, वो सभी कालखंड मुझे यहाँ पर स्मरण हो रहा था। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब मैं जब यहाँ पर तीन सबसे पहले जो छात्र आए थे, उन छात्रों को जब प्रोत्साहित करने के लिए, हम पुरस्कार देने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सब लोग कौन सी कक्षा के छात्र हैं, तो उन्होंने कहा हमने 12वीं पास कर ली है, 12th पास हो गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये 12th के बाद जो बचपन का जो दौर होता है, उस दौर से हम आगे निकलने लगते हैं, और ये दौर ही अलग होता है, क्योंकि रोज हमको ये लगता है कि अब इस दौर के बाद जो 12th पास हो गए, कोई BSc करेगा, कोई BCom करेगा, कोई BA करेगा, कोई डॉक्टरी पढ़ेगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई किसी अन्य क्षेत्र में जाएगा, किसी को लगेगा कि मैं अब ये बनने वाला हूँ, मैं अब वो बनने वाला हूँ, और अब हम ये बनेंगे, अब वो बनेंगे, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा? अरे बोलिए जोर से, लग रहा है कि नहीं? अच्छा जोर से बोलिए, लग रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। इतनी हाँ निकली, चलिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी संस्कृति में जो शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है कि जिसमें हम स्वयं के अस्तित्व की भी खोज करते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, और अपने अंदर जो हमारा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अंदर होता है,
उसको बाहर लाने का काम भी हम शिक्षा के माध्यम से करते हैं और एक व्यक्ति के रूप में हमारे सर्वांगीण विकास और श्रेष्ठ समाज के निर्माण में अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो हमारे शिक्षा गुरुओं का है, हमारे हमारी शिक्षा का है। और एक व्यक्ति जिस प्रकार से बचपन में अपने संस्कार और शिक्षा प्राप्त करता है, निश्चित रूप से वो संपूर्ण जीवन भर उसके काम आने वाला होता है। जो बचपन से हम सीख जाते हैं जीवन में अनुशासन, जीवन में जो संस्कार, वो हमारे संपूर्ण जीवन भर काम आते हैं। हम अपना कैसा कल चाहते हैं, आने वाला हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने आज पर काम करना होता है। और हमारा भविष्य कैसा होगा, ये जो हम आज काम करते हैं उस पर ही पूरी तरह से जो वर्तमान होता है वो तक हमारे शिक्षक जन, यहाँ का हमारा प्रबंधन वर्ग लगातार कर रहा है। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप सब निडर बनिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने लक्ष्य को साफ रखिए, सकारात्मक सोच के साथ गुरुजनों, अपने परिजनों, मित्रों के सहयोग के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि श्रद्धा से और आस्था से उन सब चीज़ों का निर्माण हो जाता है हमारे अंदर, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। अगर अच्छे मन से, सच्चे मन से हम आगे बढ़ते हैं तो ये निश्चित मानिए कि भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है और हम जीवन में जहाँ जाना चाहते हैं, जीवन में हम जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जिस दिशा में जाना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। बस उसके लिए केवल जरूरत होती है स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की। कहते हैं, ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, कोई समस्या आए, तो सकारात्मक सोच के साथ उसका आप सब सामना करिए, उसके समाधान के लिए अपने मित्रों से संवाद करिए। और इतना ही नहीं, अभी 12th तक हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई 10th में होंगे, कोई 11th में होंगे, कोई 12th में होंगे, कोई उससे पहले की कक्षाओं में होंगे, लेकिन इसके बाद जाने के बाद भी हमारी जो ये बाल्यकाल की जो मित्रता है वो मित्रता समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। वैसे तो आजकल कम्युनिकेशन के इतने सारे माध्यम हो गए हैं कि बहुत आसान है, पहले के समय में बड़ा कठिन होता था। और अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ तो ये सोचकर नहीं आया कि मैं आपको कोई भाषण देने के लिए यहाँ आया हूँ, कोई मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन करने के लिए भी नहीं आया। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ साल पहले तक मैं भी आप ही जैसा विद्यार्थी था और अब थोड़ा विद्यार्थी से आगे चला गया। मतलब विद्यार्थी तो व्यक्ति वैसे जीवन भर रहता है, वो जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ सीखने का काम करता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो ये शिक्षा अध्ययन का समय है, ये कालखंड आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला। क्यों श्याम भैया, आएगा नहीं आएगा ना? आज कौन सी तारीख है? चार नवंबर 2023, और ये समय हो रहा है लगभग 1:30 बजे का समय बज रहा है। ये समय अब हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में कभी लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए समय बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए इसकी महत्ता को हम सबको समझना चाहिए। जैसे मैं अगर सोचूं कि मैंने कुछ और पढ़ा होता, या यहाँ श्याम जी तो बहुत हो गए, अजय भाई साहब की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे जिलाधिकारी और ये IAS IPS जो बैठे हैं, अगर ये लोग भी ये सोचें कि हमने कुछ और पढ़ाई करनी होती, आपकी सबकी तरह विद्यार्थी बन के आप पढ़ सकते हैं क्या? ये मैं तो कतई नहीं बन सकता, क्योंकि आप कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं बन सकता, ये लोग भी नहीं बन सकते। इसलिए आप लोग भी अगर कुछ समय के बाद ये सोचेंगे कि हम लोग फिर से विद्यार्थी बन जाएं, फिर से क्लास में पढ़ने चले आएँ, फिर से प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में एडमिशन ले लें, आज से 5 साल 10 साल बाद, तो क्या कर पाएंगे? क्या मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए समय वापस लौटकर आने वाला नहीं है, इसलिए समय का संपूर्ण तरीके से उसको पूरी तरह से काम में लाना है, एक एक पल का और एक एक क्षण का उपयोग करना है। मैं आज के इस अवसर पर विद्या भारती के हमारे जिन्होंने इस को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी, हल्द्वानी के दान सिंह बिष्ट जी, काला जी, उन सभी का मैं बहुत आप सबको मैं नमन करता हूं। और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आप सभी ने इस स्थान पर, अभी श्याम जी ने कहा कि एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, एक विश्वविद्यालय बनाना है, मैं भी चाहता हूं कि एक विश्वविद्यालय बने। और मैं मन में जब मैं आ रहा था तब ये सोच रहा था कि एक विश्वविद्यालय जरूर होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने ये एक विश्वविद्यालय का जो संकल्प लिया है और जो योजना बनाई है, मैं हर संभव आपके साथ खड़ा हूँ हर तरीके से। और कोशिश करेंगे कि आप जैसा डोमेश्वर साहू जी ने, भाई साहब ने कहा कि इसके लिए ज़मीन ढूंढनी है, निश्चित रूप से इस ज़मीन को ढूंढने का काम हम सब लोग करेंगे और मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे तो ज़रूर ये परिकल्पना हमारी साकार होगी। और उत्तराखंड सरकार से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, जो भी इसमें हम सबका योगदान करना होगा वो योगदान निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा काम शुरू किया है जो आने वाले समय में एक इतिहास का रूप लेगा, इतिहास बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर प्यारे बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा विद्यालय है ये देवभूमि उत्तराखंड में है, ये गुरुकुलों की भूमि है, यहाँ ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की यहाँ रचना की है। वीर भट्टी की इस महान धरती पर पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थी भी ऋषियों की संतानें हैं और अवश्य ही आप लोग भविष्य में अपने परिवार का तथा अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, आज मेरा जो भी ज़्यादातर संवाद है हमारे प्रिय विद्यार्थियों से है कि जब भी कोई विद्यार्थी अपने छोटे से मोहल्ले से, छोटे से गांव से आगे बढ़ता है तो वो तब केवल एक माता पिता का केवल पुत्र नहीं रह जाता है, एक बहन का भाई नहीं रह जाता, एक भाई का भाई नहीं रह जाता है, वो सभी के लिए एक उन सभी का दुलारा बन जाता है, सबका प्यारा बन जाता है, क्योंकि उसके साथ आगे बढ़ते हुए सबकी संभावनाएं जुड़ जाती हैं, सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, सबका आशीर्वाद उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए आप जब आगे बढ़ेंगे तो इतना ही मानिए कि आपके पीछे बहुत बड़ी शक्ति खड़ी होगी और वो शक्ति आपको दिखाई नहीं देगी प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसको आप जब आगे बढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि वो आपको जो है आपके कर्मों में, आपके द्वारा आने वाले विचारों में कहीं ना कहीं परिलक्षित होगी। मैं आज इस विद्यालय में आकर निश्चित रूप से इस बात से भी प्रसन्नता हो रही है कि इस जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो आज अनेक क्षेत्रों में जाकर आज अपना योगदान दे रहे हैं। कोई अच्छे व्यापारी हैं, कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई अच्छे पत्रकार हैं, कोई अच्छे समाज में सेवा करने वाले हैं, अनेकों प्रकार से जो यहाँ से उन्होंने संस्कार प्राप्त किए, उन संस्कारों को वो अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उन सभी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत देश में आज एक के बाद एक नए काम शुरू हो रहे हैं, नित्य नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। हमने देखा कि कोरोना महामारी के समय में किस प्रकार का संकट हम सबके समक्ष पैदा हो गया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के एक एक व्यक्ति का एक एक परिवार का जहां अभिभावक की तरह, माता पिता की तरह चिंता करी, सभी के लिए वैक्सीन, सभी के लिए भोजन, सभी के लिए अन्न देने का काम, उन तक पहुंचाने का काम भारत की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया, उसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है। मैं पिछले दिनों
जब दुनिया के दूसरे देशों में गया तो वहाँ के लोगों ने जब मुझसे चर्चा करी, एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव हमारे देश के लिए दुनिया के देशों के अंदर निर्मित हुआ है। भाइयों बहनों, ये नया भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अभी G20 की जो हमारी सम्मिट हुई, उस G20 की सम्मिट में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है। भारत के विभिन्न विभिन्न शहरों में 200 से भी ज़्यादा स्थानों पर पूरी दुनिया के डेलीगेट्स ने आकर भारत की संस्कृति को देखा है, भारत की सामर्थ्य को देखा है, और मजबूत होता हुआ भारत, विकसित होता हुआ भारत पूरी दुनिया ने देखा है। ये नया भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना चाहिए कि अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जब हमारे देश के बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे बीच के भी, यहाँ उत्तराखंड के भी बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर जो शिक्षा के लिए गए हुए थे, तमाम अनेकों इंस्टीट्यूशनों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उन सबको जब भारत आना था तो बहुत मुश्किल हो गई थी। मुझे भी बहुत विद्यार्थी मिले, हमारे आरणी भाई साहब अजय भट्ट जी बैठे हैं, इनको भी बहुत लोग मिले, ऐसे अनेकों लोग, आप सब लोगों से भी मिले होंगे, तो सभी कह रहे थे कि हमारे बच्चों को वापस भारत ले आइए, उनके लिए मदद करिए। तो ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्राध्यक्षों से बात कर उस युद्ध को रुकवाया था और भारत के सारे बच्चों को वहाँ से बाहर सुरक्षित निकालने का काम भारत की सरकार ने किया था। भाइयों बहनों, इसी प्रकार भारत के अंदर जो नई शिक्षा नीति, यह भी एक प्रमुख कार्य है। और नई शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को निश्चित रूप से आने वाले समय में नए आयाम प्राप्त होंगे। इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे तथा स्कूली स्तर पर कौशल विकास से युवा कुशलता के साथ कार्य करने में सक्षम होंगे। नई शिक्षा नीति जहां रोजगार परक शिक्षा प्राप्त होगी, वहीं शोध और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। आप सभी को मुझे यह बताते हुए भी, आज के चूंकि शिक्षा का ये हमारा मंदिर है, माँ शारदे का स्थान है, कि मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जहां जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमको जहां हमारे गुरुजनों का, हमारे अभिभावकों का, हमारे विद्यार्थियों का, सभी का आशीर्वाद चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि ये विकल्प रहित संकल्प क्यों लिया हमने, ये विकल्प रहित संकल्प ऐसा संकल्प है कि संकल्प में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रखना है। अगर संकल्प में हमने कोई विकल्प ले आए तो तय मानिए कि संकल्प में विकल्प का आ जाना यानी कि संकल्प का टूट जाना, रास्ते हमारे भटक जाना, मंजिल हमसे दूर चली जानी और सपने हमारे रूठ जाने। इसलिए अपने जीवन में भी आप सब लोगों को विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ना है और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हर प्रकार से पूरी शक्ति को लगाना है। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय श्याम जी ने जो यहाँ कहा, एक तो विश्वविद्यालय की बात हमने पहले ही कर दी कि विश्वविद्यालय बनाने में हम सब लोग आपके पीछे खड़े हैं, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। सड़क निर्माण के लिए उसका काम चल ही रहा है, लोक निर्माण विभाग काम कर रहा है, और जो सिंचाई विभाग से जो काम होना है उसको भी इसी सत्र में इसको हम पूरा करवाएंगे, क्योंकि ये विद्यालय बसना, यहाँ का ये मार्ग बसना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और समय समय पर आपके द्वारा जो भी हमसे अपेक्षा की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पावन मंदिर में हम सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अंश मात्र पुण्य के भागी आपके साथ साथ हम भी बन जाएंगे। तो मैं आज इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं से अंतिम बात ये कहते हुए कि आने वाले समय के आप सभी कर्णधार हैं, आप सभी
देश के भविष्य हैं और आने वाला जो हमारा अमृत काल है यानी कि 2047 तक का जो समय है वो समय हम सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कर्तव्य काल का भी हम सबको बोध कराता है। और इस कर्तव्य काल के अंदर जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2027 तक तीसरी आर्थिक शक्ति पूरी दुनिया के अंदर बनाने का संकल्प लिया है वह तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। 2047 आते आते हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में, पूरी दुनिया को दिशा देने वाले भारत के रूप में हम स्थापित होंगे। उस सब को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य आप सबके कर कमलों से होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को करने में अवश्य सफल होंगे। अंत में मैं एक बार फिर से हमारे श्याम जी का, हमारे पूरे विद्यालय के प्रबंधन वर्ग का, आए हुए सभी अतिथियों का, सभी अभिभावकों का, मैं और हमारे विद्यार्थियों को सभी का मैं धन्यवाद करते हुए और विद्यार्थियों को अपनी ओर से उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।